और भाई आज नागपंचमी है, तो मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस पहुंच गया भाई, बाइक पे आ गए, बाइक पे। गर्मी बहुत हो रही है भाई, बाहर मत निकलो, सभी घर में रहो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज कैसे हो आप सब, आई होप भाई सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई आज के दिन की शुरुआत करते हैं भोले बाबा जी का नाम लेके, हर हर महादेव। अभी मैं मंदिर से आया था तो बस अभी घर जा रहा हूँ। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी ने अच्छे से तीज सेलिब्रेट की होगी, हमने भी आपने पिछले व्लॉग में देख ही लिया हुआ। तो अभी मंदिर से आया हूँ, बस घर पहुँचता हूँ, फिर मिलूँगा आपको, ठीक है। आप ऐसे ही व्लॉग में बने रहिए, ऐसे ही चैनल पे प्यार दिखाते रहिए। रात रात तेरी याद सताए, रात रात वादे दिए, कितने वादे दिए, तेरी याद सताए, रात रात तेरी याद सताए, रात रात। How could you leave, 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 दिन तेरे किट धा धा धा, How could you leave, दिन तेरे किट धा, How could you leave, 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 दिन तेरे किट धा धा धा, How could So guys, लगभग टाइम हो चुका है भाई, 8 बज चुके हैं और 8 बजे मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब उस फर्स्ट क्लिप के बाद अभी फ्री हुआ हूँ भाई। पूरे दिन से काम लगा हुआ था, सारा दिन काम में चला गया, अभी भी आवाज़ नहीं आ रही होगी हेलमेट की वजह से। तो मैं अभी भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ और अभी भी कोई काम ही करके आ रहा हूँ। मैं सोचा चलो अपडेट तो दे ही देता हूँ, एक छोटी सी अपडेट तो बनती है ना, तो बस फिर इसी काम में लगा हुआ। तो अभी काम करके आया हूँ भैया, सारा दिन पूरा काम में चला गया। मैं सोच रहा था कल की तरह और अच्छा कॉन्टेंट मिलेगा, आज करूँगा कुछ, पर भाई संडे तो मेरा हमेशा ही ऐसे जाता है, कभी कोई काम हो जाता है, कभी कोई काम हो जाता है। मेरी आवाज़ तुम्हें अच्छे से सुनाई नहीं दे रही होगी, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से सुने। और ना आज भाई इवनिंग वॉक पे जा पाया क्योंकि काम हो जाता है यार घर पे, फिर वो काम तो करने पड़ेंगे, पापा नहीं करेंगे तो बोलते। सजन जब पास ना आए, ओ दिल पे लात लगाए, ओ मेरे तू दुश्मन हो ना, दुश्मन क्यों हो, ओ बलमा क्यों, ओ तूने मेरी। ठीक है भाई, आज कुछ ऐसा ज्यादा कंटेंट मिला नहीं जो मतलब मैं बना सकता था या बता सकता था या दिखा सकता था, पर मैं कोशिश तो कर रहा था, पर काम के बीच में यार बिल्कुल भी कैमरा उठाने का वो नहीं मिला। बस अब घर जा रहा हूँ, घर पहुँच के मिलता हूँ यार, अभी भी ट्रैफिक में मतलब ब्लॉगिंग करना ठीक नहीं लग रहा मेरे को फोन से। तो ठीक है गाइस, घर पे पहुंचते हैं, फिर मिलूंगा मैं आपको, आप ऐसे ही ब्लॉग में बने रहो, रास्ते को एंजॉय करो। इतने बजा दे ये ऐसे कैसे नाचना चाह दे, ओ मेरे तू दुश्मन हो ना, दुश्मन। सो गाइस लगभग टाइम हो चुका भाई 10:30 के करीब, तो भाई मैं अभी आज के इस ब्लॉग को कल सुबह स्टार्ट करूंगा। आज सारा दिन भाई काम वगैरह में निकल गया तो ज़्यादा कुछ ऐसा था भी नहीं, तो भाई कल सुबह मिलेंगे। आप ऐसे ब्लॉग में बने रहो, अभी अभी खाना खाया, घर पे आया था, घर पे आने के बाद भी कुछ काम किया, फिर उसके बाद खाना खाया, तो बस भाई अभी सारे सो रहे हैं तो मैं भी सोऊंगा, ये अब कुछ है नहीं कॉन्टेंट, सुबह देखेंगे इसको, ठीक है। फिर आप ऐसे ब्लॉग में बने रहो, कल सुबह मिलता हूँ आपको, ओके बाय। The next day. Hello, good morning guys. Welcome back to the new day. So guys, कैसे हो आप सब भाई, आज है सोमवार, सावन का 7वां सोमवार भाई, जहाँ तक मेरे को आइडिया सावन का 7वां सोमवार है। और अपने घर पे ऊपर अंकल आए हुए एक और तोड़ा फोड़ी करने लग रहे हैं, तो इस वजह से घर में तो ब्लॉग आज नामुमकिन सा ही लग रहा है, आवाज़ ही ऐसी आ रही है, खटक 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 खटक। और भाई आज नागपंचमी है, तो मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई आज के दिन की शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि कल भाई बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बना, तो मैं सोच रहा हूँ आज बनाऊँ, आज शुरुआत करते हैं। आज क्यों कर रहा हूँ क्योंकि कल भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला यार, रत्ती भर का भी टाइम नहीं मिला, तो आज सावन का 7वां सोमवार है तो आज फास्ट है अपना, तो देखते हैं आप कितना अच्छा कर सकते हैं। तो आप ऐसे व्लॉग में बने रहो, अभी मैं मंदिर होके आ चुका हूँ, फिर रोज़ रोज़ ऐसे मंदिर दिखाता हूँ तो आपको यूँ लगेगा तो बिल्कुल ही पुजारी की तरह मंदिर दिखाता रहता है। तो ठीक है भाई, इस वजह से मैंने मंदिर नहीं दिखाया, बाकी मंदिर यहीं पे अपने पार्क में ही तो है, तुम रोज़ ही देखते होगे जो यहाँ के लोकल बंदे हैं।
मंदिर तो दिखा देता हूँ मैं, वैसे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस क्लिप में भी देख लिया हुआ आपने, इस ब्लॉग में भी, वो कल वाली क्लिप थी, इस वजह से मैंने आज नहीं बनाया क्योंकि सेम हो जाता है इस वजह से। तो ठीक है भाई, आज की दिन की शुरुआत करते हैं भोले बाबा जी का नाम लेके, हर हर महादेव। ये ब्लॉग भाई मैं 2 बजे तक बनाने की कोशिश करूँगा, 2 बजे तक जो भी कॉन्टेंट रिकॉर्ड होगा वही एडिट करके अपलोड कर दूँगा। और अभी चाय बन रही है और कुछ नाश्ता है, मतलब वो व्रत वाला जो होता है तो वो करते हैं, फिर शाम को फलाहार करेंगे। तो आप ऐसे व्लॉग में बने रहो, आज जो भी दिन में करूँगा वो सब दिखाऊँगा आपको। और भाई मौसम की अपडेट दे दूँ तो मौसम भाई बिल्कुल धूप वाला हो रखा है, देख रहे हो सूर्य देव कैसे मेहरबान है हमारे ऊपर। तो ठीक है, परसों सुबह तो बारिश हुई थी थोड़ी बहुत, उसके बाद तो फिर गर्मी सी हो रखी है, मस्त ह्यूमिडिटी अंदर तो बहुत ज़्यादा ही ह्यूमिडिटी है, अंदर तो सांस भी नहीं आता कई बार, तो इस वजह से धूप बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है भाई, कर लेते हैं नाश्ता फिर बताओ। A few moments later. So guys, सवा एक हो गए भाई और बाहर हो रही है फुल गर्मी, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कवर कर लूँ अपने आप को, कर लिया है कवर और अब निकलते हैं, क्योंकि भाई मेरा फोन आ जाता है ना तब भाई किसी की कुछ नहीं चलती, चाहे कोई कुछ हो रहा हो, चाहे मैं पढ़ दूँ। ठीक है भाई, तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा है, तो टाइम से निकल गया हूँ मैं। चलो तो मैं जादू करके दिखाता हूँ, साइकिल से सीधा बाइक पे ट्रांसफ़र होते हैं। तो ठीक है, आप इतने रास्ते को एंजॉय करो, 1:30 बजने वाला है, मतलब सवा एक हो चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी इस व्लॉग को एडिट करेंगे आके। 1 घंटा लगेगा मेरे को घर वापस आने में। तो ठीक है, इस व्लॉग को फिर एंड करेंगे, फिर इसको एडिट करेंगे, फिर इसको पोस्ट कर देंगे। तेरी याद सताए रात रात, तेरी याद सताए रात रात। हाँ कुछ जुली लीव लीव धन तेरे किड धा धा धा। हाँ कुछ जुली धन तेरे किड धा। हाँ कुछ जुली लीव लीव धन तेरे किड धा धा धा। हाँ कुछ जुली लीव लीव धन तेरे धन ना। अच्छी गाइस, पहुंच गया भाई बाइक पे, आ गए बाइक पे। गर्मी बहुत हो रही है भाई, बाहर मत निकलो, सभी घर में रहो। कोई भी इम्पोर्टेंट काम हो घर से बाहर मत निकलो भाई, गर्मी बहुत है, मैं तो काला हो ही रहा हूँ, तुम भी हो जाओगे ना भाई, काम के लिए तो निकलना पड़ेगा, वर्क इज इम्पोर्टेंट। ठीक है भाई, जादू तो कर दिया, अब मैं जल्दी से जल्दी काम कर लेता हूँ, नहीं तो मेरा बाबू मेरे आटा घेर लेगा। ठीक है भाई, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing. So guys, काम डन करके वापस घर की तरफ निकल चुका हूँ। धूप बहुत ज्यादा है भाई, आंख भी नहीं खुल रही, ऐसे लग रहा है जैसे सूर्यदेव आज अपने को खाने के लिए आए हैं। फुल ज्यादा धूप हो रही है भाई, बहुत ज्यादा आंखें जल रही हैं। ठीक है भाई, जल्दी से घर पहुंचता हूं, फिर मिलूंगा आपको। सो गाइस, अभी घर पहुंचा भाई, लगभग 1:20 हो चुका है, 1 घंटा 10 मिनट लग गया मेरे को मेरे काम में, 10 मिनट लेट हूं मैं मेरे हिसाब से। तो ठीक है भाई, आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना भाई, और जल्दी से एडिट करके पोस्ट करता हूं, फिर मेरे को एक और काम के लिए भी निकलना है और अगला व्लॉग भी स्टार्ट करना है आज के दिन का। तो ठीक है भाई, आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा और मेरे और मेरे फैमिली की तरफ से आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके, बाय, नाइट, बाय।